दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस सीएम केजरीवाल को इस मुद्दे पर घेरते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, केजरीवाल खुद को आम आदमी दिखाने के लिए अपनी साइज से बड़े कपड़े पहनते हैं, 1 रुपए की कलम रखते हैं और चप्पल पहनते हैं। उन्होंने दावा कर कहा, केजरीवाल का महल 45 करोड़ का नहीं बल्कि 171 करोड़ का बना है। कांग्रेस नेता बोले, असल सादगी की मिसाल तो पूर्व सीएम शीला दीक्षित थी। आप भी सुनिए अजय माकन ने क्या कुछ कहा। कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने एफिडेविट दिया कि वो आम आदमी की तरह सारी जिंदगी रहेगा, आम आदमी की तरह दिल्ली का मुख्यमंत्री रहेगा, उसके द्वारा भ्रष्टाचार के, उसकी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार के, और जिस स्टाइल ऑफ लिविंग को उन्होंने अपनाया है, अपने मकान को बना करके उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली की अगर सिंप्लिसिटी की, सादगी की अगर कोई मिसाल अगर हम कहेंगे तो उसका नाम श्रीमती शीला दीक्षित है। कोई भी व्यक्ति श्रीमती शीला दीक्षित जी से अगर उनके घर पे निवास स्थान में जाकर के अगर मिलता था तो उसको सबसे पहले सादगी का एहसास होता था। और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने महल को बनाने में, सजाने में जितना पैसा खर्च कर दिया, श्रीमती शीला दीक्षित जी की पूरी कैबिनेट 15 साल के अंदर मिलाकर के उतना पैसा खर्च नहीं किया होगा, उसका आधा भी नहीं किया होगा, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं किया होगा जितना केजरीवाल जी ने 2 साल में खर्च अपने महल पे कर दिया। आज मैं नए खुलासे के साथ में आप सब लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को कुछ बताना चाहता हूं। ये मात्र 45 करोड़ का खर्चा नहीं है, केजरीवाल जी के महल पे मात्र 45 करोड़ नहीं खर्च हुए, केजरीवाल जी के महल पे 171 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 171 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा कोविड के समय में, ऐसे समय में जब दिल्ली के अंदर लोग ऑक्सीजन को तरस रहे थे, हॉस्पिटल्स को तरस रहे थे, हॉस्पिटल बेड्स को तरस रहे थे, गरीब आदमी खाने को तरस रहे थे, 171 करोड़ का खर्चा केजरीवाल जी के महल पे हुआ है, 45 करोड़ नहीं। कांग्रेस नेता ने कहा, केजरीवाल के मकान को फैलाने के लिए अधिकारियों के मकान गिराए गए और उन अधिकारियों के लिए CWG खेलगांव में 21 फ्लैट खरीदे गए जिनकी कीमत 6 करोड़ प्रति फ्लैट है। इस खर्च को भी केजरीवाल के महल के खर्च में जोड़ा जाना चाहिए। अजय माकन ने आरोप लगाते हुए कहा, बजट में सीएम आवास पर 45 करोड़ या 171 करोड़ खर्च का कोई जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने हेरिटेज बिल्डिंग को गिराकर 2 मंजिला इमारत बना दी। इस दौरान 28 पेड़ काट दिए गए। तल्ख अंदाज में अजय माकन ने कहा, एफिडेविट देखकर खुद को आम आदमी कहने वाले के घर में लाखों के पर्दे और करोड़ों के मार्बल लगे हैं। अजय माकन ने कहा, केजरीवाल के शराब घोटाले की पहली शिकायत कांग्रेस ने की थी। केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है, जो 171 करोड़ का खुद का महल बनाए वो किस बात का आम आदमी। लोकपाल को लेकर केजरीवाल अब चुप क्यों हैं? हर पार्टी को केजरीवाल का असली चरित्र समझना चाहिए। केजरीवाल भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं और बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। मन से उजाला, अरे चले मन से।